हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चाबी देख के आपको भाई ऐसा लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ी गाड़ी है। गाड़ी तो बहुत बड़ी है, टाटा एल्ट्रोस भाई। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर 10 लाख में आपको टोटली सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको चाहिए। डुअल टोन में गाड़ी है। बात करें गाड़ी के इंजन की, तो 1200 cc का गाड़ी का इंजन आता है जो कि 110 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 150 Nm का टॉर्क है। डुअल टोन स्टैंडर्ड गाड़ी, ब्लैक और वाइट, और काफ़ी अच्छी है। देखो साइड से गाड़ी की साइड प्रोफाइल ऐसी है तो काफ़ी अच्छा लुक देती है गाड़ी साइड से। और फ्रंट लुक कुछ ऐसा है गाड़ी का, काफ़ी स्पोर्टी लुक है भाई। बात करें फ्रंट लुक की, तो ये आपको DRS मिल जाती है, फॉग लैम्प्स, हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको। ये पियानो फिनिश में पूरी ग्रिल है, टाटा का लोगो, नंबर प्लेट और स्किड प्लेट। आगे टोइंग के लिए ऐसा कुछ गाड़ी का साइड से लुक है। देखो ये मिरर्स पे काफ़ी अच्छा स्टील क्रोम फिनिश दी हुई है, बहुत अच्छा लुक दे रही है गाड़ी को। और नीचे जो ब्लैक दिया हुआ है काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। 16 इंची के अलॉयज है गाड़ी के अंदर। गाड़ी आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी के अंदर, जो भी काम हुए कंपनी ने दिए है। 10 लाख कुछ की गाड़ी आती है। साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए गाड़ी में। आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है गाड़ी में यहाँ से, और ऑटो फोल्ड मिरर्स है गाड़ी के अंदर। मतलब भाई इस गाड़ी के अंदर ना 10 लाख रुपये में आपको टाटा सब चीज़ें दे रही है। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है गाड़ी का लुक। इतना अच्छा लुक है ना गाड़ी का, देखो पीछे से भी देखो यहाँ टाटा की बैजिंग, यहाँ एल्ट्रोस की बहुत अच्छी बैजिंग है। ये देखो ये कैमरा है यहाँ पे, और ये पियानो फिनिश में ना बहुत प्यारा लग रहा है। नीचे आई टर्बो की बैजिंग है, ये ZDI टर्बो मॉडल है, काफ़ी रेयर मॉडल है। पीछे 2 सेंसर्स मिल जाते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। बूट ओपन करते गाड़ी का, भाई बात करते हैं इसके बूट की, तो 350 के लगभग आपको 350 लीटर के समथिंग आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे 5 लीटर। पीछे से कुछ ऐसा लुक है गाड़ी का, आइए बंद करते हैं। पीछे से कुछ गाड़ी का ऐसा, मतलब साइड से ऐसा लुक है गाड़ी का, बहुत अच्छा लुक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे है इसके, पीछे से ओपन करने के लिए पीछे बैठते हैं, देखते हैं क्या कितना स्पेस है गाड़ी के अंदर। भाई जो सबसे अच्छी चीज़ है ना इस गाड़ी के अंदर, आपको हरमन का साउंड सिस्टम मिलता है। इतना तगड़ा साउंड सिस्टम है ना, मतलब बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। पीछे 2 AC वेंट्स, 12 वोल्ट का आपको चार्जर मिल जाता है। पीछे पॉकेट मिल जाती है आपको, ऑल अप ऑल डाउन बटन से मिरर्स मिल जाते हैं। लेदर सीट्स है टोटली सारी की सारी गाड़ी के अंदर। और ऐसा कुछ साइड से गाड़ी डुअल टोन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाड़ी डुअल टोन है। तो अब आगे से देखते हैं, साइड में आपको यहाँ बोटर के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। स्टार्ट स्टॉप है गाड़ी, तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है आपको गाड़ी के अंदर। इस रेंज में कोई भी गाड़ी 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं देती है, ये गाड़ी में आता है। गाड़ी पेट्रोल है, तो RPM साइड में है। बीच में यहाँ पे आपको MID कंट्रोल्स, ये मतलब ये MID कंट्रोल्स हो गए, ये आपका MID हो गया। और यहाँ पे स्पीड 220 मैक्सिमम स्पीड है इसकी। ऐसा कुछ गाड़ी का स्टेयरिंग है। बात करते हैं यहाँ से, तो ये आपके इसके स्टेयरिंग है। ये भी 7 इंच की, आपको बहुत अच्छी सी स्क्रीन मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले दोनों मिलते हैं, वायर वाले, वायरलेस नहीं आते हैं। ये ऐसा कुछ गाड़ी का हॉर्न है, काफ़ी अच्छा मतलब स्टेयरिंग है, ग्रैपिंग में भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स और इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको MID कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल्स मिलते हैं गाड़ी के अंदर। बात करें यहाँ पे ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टॉप के लिए एक बटन, यहाँ पे फॉग लैम्प के लिए बटन, थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। बात करते हैं साइड डोर की, तो यहाँ पे सबवूफर्स मिल जाते हैं आपको। मिरर देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो। और नीचे देखो ऐसा जो लाइट है ना नीचे वाली वेलकम लाइट, वो भी बहुत अच्छी लग रही है। ये आपको मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन नहीं आता हालांकि इस गाड़ी के अंदर, तो देना चाहिए था, नहीं आता, बटन तो दिया हुआ है पता नहीं क्या। तो ऐसा कुछ गाड़ी का साइड से मतलब मेन डोर ऐसा कुछ है। बात करते इस स्क्रीन की, तो 7 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी एल्ट्रोस की बैजिंग और डुअल टोन इंटीरियर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो
जो ये ऐसा स्पोर्टी सा लुक आ रहा है गाड़ी के अंदर, अंदर से यहाँ पे आपको ऑटो वाइपर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर और ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। बात करें इसकी तो बहुत अच्छा है, मतलब बात करें एसी की तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है गाड़ी के अंदर, 12 वोल्ट का चार्जर, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले के लिए USB, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है आपको, यहाँ पे दो बोतल होल्डर्स और हैंड रेस्ट एडजस्टेबल है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको हम ऐसे, हैंड ब्रेक यहाँ पे है गाड़ी का। और भाई देखो इतना बड़ा ग्लो बॉक्स आई डोंट थिंक किसी भी गाड़ी का होगा, 10 लाख रुपए की गाड़ी। देखो सब वूफर्स यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, ट्विटर सब वूफर, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे प्लेस्ड है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लुक दे रही है गाड़ी की, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर कुछ ऐसा है इसके अंदर, ऐसे मतलब डालना पड़ता है, मिरर्स नहीं आते हैं, बस साइड में भी मिरर्स आते हैं विथ नो लाइट। देखो काफ़ी अच्छा है, गाड़ी को ड्राइव करते हैं, भाई बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, मतलब MID कंट्रोल्स की, तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। गाड़ी के अंदर दो मोड आते हैं, आप सिटी और स्पोर्ट्स में यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में लग गई है गाड़ी, आप सिटी में लग गई है, और बोलती भी है ये गाड़ी जब स्पोर्ट्स में लगती है, सिटी में लगती है। ऑटो लॉक, स्पीड सेंसिंग, भाई गाड़ी के अंदर ना सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, एयरबैग्स तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, जैसे देखो डोर ओपन, मतलब जैसे पीछे वाला डोर ओपन हुआ है तो ये इसमें दिखाएगी, और ये जो मैडम है ना ये बोलती रहेगी कि डोर ओपन है, डोर ओपन है, क्या डोर क्लोज, फिर से जैसे फिर से। यहाँ पे आपको साइड में गियर शिफ्टिंग का आता है, RPM मीटर है, यहाँ पे आपको फ्यूल का बताएगी गाड़ी कितने फ्यूल बचा है, और यहाँ पे आपको रेंज दिखाएगी, नीचे ऑडोमीटर दिए हुए, गाड़ी 9000 लगभग चल चुकी है। भाई बात करें गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी की, तो भाई गाड़ी बहुत प्यारी चल रही है पेट्रोल में, इतनी प्यारी, मतलब बिल्कुल एक तो आवाज़ नहीं है गाड़ी के अंदर, गियर शिफ्टिंग में जैसे जर्क आते हैं आजकल वो बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी के अंदर। इस प्राइस के अंदर ये गाड़ी बहुत, मतलब बहुत अच्छी है, जिस बंदे को भी लेनी है इस रेंज के अंदर और इस मतलब सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से, इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई गाड़ी होगी। तो दोस्तों ऐसी थी कुछ ये वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।